अखिल भारतीय समता फाउंडेशन ने बिजली कटौती को लेकर विद्युत अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। मथुरा अखिल भारतीय समता फाउंडेशन व भारतीय किसान यूनियन ने विद्युत विभाग द्वारा मथुरा शहर महानगर में शहर के हृदय स्थल चौबिया पाड़ा, नगला पायसा, मोहल्ले की पौर, हाथी गली, रतन कुंड, छौका पाड़ा गली, पंच कोयला गली, बेलीनेट, छत्ता बाजार, दरेशी रोड, हलवा पारा, जारगंज, चाह कटौती, मनोहर करा, मंडी राग बस असिकुन में अघोषित पिछले कई दिनों से 20-20 घंटे की विद्युत कटौती की जा रही के खिलाफ अधीक्षण अभियंता शहरी एवं ग्रामीण मथुरा के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन से पूर्व समता फाउंडेशन भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने विद्युत स्टेशन कैंट मथुरा पर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और ऑफिस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सहायक अभियंता मनोज कुमार वर्मा द्वारा ज्ञापन लिया गया। भारतीय किसान यूनियन टिकेट के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष पवन चतुर्वेदी एवं अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के अध्यक्ष लोकेश कुमार राही कहा, 20-20 घंटे की अघोषित विद्युत कटौती उत्तर प्रदेश सरकार के दावों की पोल खोल रही है, साथ ही शहर का यह हाल है तो गाँव का हाल क्या होगा। 500 मात्र बकाया होने पर नागरिकों की विद्युत आपूर्ति रोकी जा रही है, किसानों को जबरन बिल जमा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, स्मार्ट मीटर से खुली लूट हो रही है, विद्युत कर्मियों द्वारा नागरिकों का आर्थिक दोहन हो रहा है। मनोज कुमार वर्मा ने तत्काल विद्युत कटौती पर रोक लगाने एवं सुचारू करने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने वालों में लोकेश कुमार राही, पवन चतुर्वेदी महानगर अध्यक्ष भाकियू मथुरा, फैजान कुराशी, चित्रसेन मौर्य, सुनील चौधरी, जनसेवक रोज चौधरी, धार सिंह, फतेह सिंह, नरेश सर, विनोद निषाद, भगवान दास, सूरज निषाद, आकाश बाबू, विवेक कुमार, राजू महावर, प्रमोद विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे। के द्वारा विद्युत विभाग में ज्ञापन दिया गया, किन मांगों को लेकर दिया गया है? आज अखिल भारतीय समता फाउंडेशन और भारतीय किसान यूनियन के संयुक्त नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, और वो ज्ञापन ही नहीं है, त्वरित कार्रवाई के लिए हमने यहाँ पर मनोज वर्मा आदिवासी अभियंता, चूँकि आज बाबा आ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो ज्ञापन है वो हमारे शहर के मध्य हृदय क्षेत्र में आप बिजली विभाग की लापरवाही देखिए या इनकी मानसिकता देखिए कि चौबिया पाड़े में पिछले 24 घंटे से लाइट नहीं है और लोगों को विद्युत जो पेयजल है उसकी परेशानी, दैनिक उपयोग के कामों की परेशानी, खाने पीने की परेशानी, मरीजों को कितनी परेशानी हो रही होगी, इस तरीके की अघोषित कटौती की जा रही है। 20-20 घंटे की कटौती हो रही है। मनोपुरा क्षेत्र हो, छत्ता बाजार हो, कटौती कुआँ हो, भरतपुर गेट हो, और दरेसी रोड हो, अंधापाड़ा हो, जनरलगंज हो, तमाम, तो हम आज ये बात लेकर के आए कि तत्काल ये कार्रवाई रोकी जाए और विद्युत विभाग के द्वारा बिजली चौबिया पाड़े में सुचारू की जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि स्मार्ट मीटरों से खुली लूट बंद हो। तीसरी मांग हमारी ये है कि विद्युत उपभोक्ता जो नागरिक हैं भारत के, जो बिल भी जमा करते हैं समय समय पर, 1,000 रुपये मात्र होने पर, 500 रुपये कुल होने पर उनकी बिजली आपूर्ति रोक दी जाती है। ऐसी कार्रवाई ना की जाए क्योंकि लोगों की माली हालत ठीक नहीं है। किसानों को भी पूरे गांव में जबरन वसूली के लिए परेशान किया जा रहा है, उनसे भुगतान के लिए मजबूर किया जा रहा है, लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, और जब गांव में लाइट, जब शहर में आपूर्ति हो रही है अघोषित, तो गांव में कैसी कंडीशन होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हमारी मांग ये है कि विद्युत कर्मियों द्वारा संविदा कर्मियों को आगे करके वो दूध देने वाली गैया इनके लिए साबित हो रहे हैं, उनसे खुली लूट करवाई जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। विभाग के अधिकारियों द्वारा आपको आश्वासन दिया है? आज अभी हमने मनोज वर्मा जो है हमारे विद्युत कर्मी साजी अभियंता, वो क्या सहायक अभियंता, उनको हमने ज्ञापन दिया है, और अगर उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। अभी हमने यहाँ देखा तमाम हमारे नागरिक यहाँ मारे घूम रहे थे, अब जब लोग संगठित होकर के आते तो उनकी भी कार्रवाई होती है, तो कितने परेशान लोग घूम रहे थे यहाँ पर। जब शहर की, मैं आपको पुनः याद दिलाऊँ, जब शहर में कटौती हो रही है तो गाँव की कंडीशन क्या होगी? विद्युत प्रशासन लोगों को लाइट नहीं, मूलभूत सुविधाएँ सरकार नहीं दे पा रही है। बाबा का एक ही काम है मथुरा में आना, दर्शन करके जाना, बाबा को बिजली से कोई मतलब नहीं है, बाबा सिर्फ अपनी शौक मौज करके यहाँ से चले जाते हैं, और जो दैनिक जरूरत की पानी सब लोग खरीद कर पानी पी रहे हैं, पैसे देकर बिजली ले रहे हैं, और बाबा अपनी मस्ती और देशाटन में मजबूत है। हम ऐसी सरकार की निंदा करते हैं और आक्रोश व्यक्त करते हैं, और अभी हमको आदेश दिया अभी 1 घंटे में लाइट चालू नहीं चौबिया पड़ेगी तो हम धरने पर पुनः बैठ जाएंगे। अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में अखिल भारतीय समता फाउंडेशन, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने मथुरा बिजली घर कैंट का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। मथुरा महानगर में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे पीने के पानी का संकट गहरा रहा है। विद्युत विभाग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए है। मथुरा महानगर के
चौबियापाड़ा क्षेत्र में 18 घंटे से लाइट नहीं आई है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। विद्युत विभाग से मांग करते हैं कि शीघ्र ही शहरी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था सुधारी जाए, नहीं तो एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी विद्युत विभाग जिला प्रशासन की होगी।